दोस्तों, मैं हकीम फैसल, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो लोग मर्दाना कमजोरी के शिकार हैं, शादी के बाद कई कई बार सेक्स करते हैं और शादी के कुछ साल बाद हफ्ता, 15 दिन और महीना ऐसे ही गुजर जाता है, पेनिस में तनाव आना बंद हो जाता है और आपके पेनिस में लूज बन रहता है, पेनिस में आपके सख्ती नहीं आती, मर्दाना कमजोरी पैदा हो गई है। दोस्तों, अगर आपको शुरुआती प्रॉब्लम है तो इस नुस्खे के इस्तेमाल से ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। आपके अंदर कभी ताकत की कमी नहीं आएगी, मर्दाना ताकत आपकी बहाल हो जाएगी। अगर आपका पेनिस सुकड़ा हुआ रहता है, अंदर धस गया है, तो दोस्तों इस नुस्खे के इस्तेमाल से पेनिस में ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होना शुरू हो जाएगा। जब आपके पेनिस में ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगा तो पेनिस आपका साइज में बढ़ना शुरू हो जाएगा, पेनिस में आपके सख्ती आनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, वीरिया आपका ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा और शारीरिक कमजोरी इस नुस्खे के इस्तेमाल से ठीक हो जाएगी। दिल को ज़बरदस्त ताकत मिलेगी, दिमाग आपका मजबूत हो जाएगा, याददाश्त की कमजोरी भी इस नुस्खे के इस्तेमाल से ठीक हो जाएगी। शुगर के पेशेंट भी इस नुस्खे को बग़ैर शहद के या बग़ैर मीठे के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रोल को कम करता है, शरीर के अंदर ताकत पैदा करता है, फुर्ती पैदा करता है। जिन लोगों का काम काज करने को दिल नहीं करता, इस नुस्खे के इस्तेमाल से फुर्ती भी पैदा होगी और शारीरिक कमजोरी भी दूर हो जाएगी। जो गलत खान पान करते हैं या गलत खान पान की वजह से आपने अपनी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर लिया है, तो ये आपके अंदर से जहर को निकाल देता है और आपको जवान बना देता है। आप इस नुस्खे को बनाएं, आजमाएं और इस नुस्खे से फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद लोग वीडियो से पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए, बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मर्दाना कमजोरी के शिकार लोग या शारीरिक कमजोरी के शिकार लोग इस नुस्खे के शुरुआती दौर में इस्तेमाल कर लें तो सारी ज़िंदगी आपके अंदर कमी पैदा नहीं होगी। न मर्दानगी की कमी आपके अंदर आएगी और न शारीरिक कमजोरी ही आपके अंदर आएगी। अगर आपके एक से ज़्यादा वाइफ हैं तो सारी को खुश कर दोगे। दोस्तों, बड़े ही कमाल का नुस्खा है, आप इस नुस्खे को बनाएं, आजमाएं और इस नुस्खे से फ़ायदा उठाएं। ये नुस्खा आपको पंसारी की दुकान पर मिलेगा, नुस्खा नोट कर लें। पहले नंबर पर आपको लेनी है कलौंजी, ये लेनी है आपको 50 ग्राम, और दूसरे नंबर पर आपको लेना है 10 ग्राम मेथी, और तीसरे नंबर पर आपको लेनी है 10 ग्राम तुखम प्याज। इन तीनों को कूट छान कर कपड़छन कर लें और मैदे की तरह बारीक कर लें। आधा चम्मच रात को सोने से आधा घंटा पहले या एक घंटा पहले गर्म दूध के साथ इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर आप शुगर पेशेंट नहीं हैं, अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, तो दूध में मीठा शहद कर लें और आधा चम्मच रात को सोने से एक घंटा पहले शहद मिले हुए दूध के साथ इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर आप शुगर पेशेंट नहीं हैं, तो खालिस दूध के साथ भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने अंदर मर्दाना ताकत को बढ़ा सकते हैं, शारीरिक कमजोरी को भी दूर कर सकते हैं, अपने अंदर चुस्ती फुर्ती पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, याददाश्त की कमी, शारीरिक कमजोरी, दिल की कमजोरी और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, नसों का ब्लॉक हो जाना, मर्दाना कमजोरी, पेनिस का छोटा हो जाना, पेनिस में सख्ती का ना आना, पेनिस में लूजपन रहना, दोस्तों ये सारी शिकायत इस नुस्खे के इस्तेमाल से ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर आपकी ये प्रॉब्लम पुरानी हो गई है, तो फिर इलाज कराना ही बेहतर होता है। आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का इलाज करा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।